नमस्कार जोहार, मैं खुशी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए उभरते कलाकार के साथ। आज की हमारी जो उभरती कलाकारा हैं उनका नाम है रिया कुमारी। ये फुल टाइम म्यूज़िक स्टूडेंट हैं, ये शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं। और इसके आगे और क्या कहें हम, चलिए उनके पास चलते हैं सीधा और जानते हैं उनके बारे में। मगर मैं बताना चाहूँगी कि हमारे साथ संगत में मौजूद हैं सत्यजीत जी तबले पर, और हारमोनियम पर हैं स्पर्श जी। और आज मैं स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। तो रिया, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि संगीत में आपकी रुचि कब से शुरू हुई। जी, मेरा नाम है रिया कुमारी। मैम, मैं बचपन से ही गाती आ रही थी, पर जब मैं 10th क्लास में गई तब मैंने सुशील मिश्रा गुरुजी हैं मेरे, यहाँ रातू में रहते हैं वो, उनसे मैंने शिक्षा ली संगीत की, क्लासिकल उनसे मैंने सीखा। फिर मुझे खैरागढ़ के बारे में पता चला, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, वहाँ पे मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। मेरे घर वालों को नहीं पता थी ये बात, और मैंने वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। उसके बाद वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तब मैंने अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया कि मुझे वहाँ पे मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो मैंने वहाँ पे कर लिया है, तो मुझे वहाँ पे जाके पढ़ाई करनी है। फिर मेरे मम्मी पापा को मैंने मनाया कि मुझे वहाँ पढ़ाई करना है। मेरे मम्मी पापा थोड़े से अगेंस्ट थे कि बाहर जाके पढ़ाई करना, उन्हें थोड़ा नहीं पसंद था, पर फिर भी मैंने कन्विंस किया। और फिर मम्मी मेरी बचपन से ही चाहती थी कि मैं सीखूं आगे बढ़ूं, मम्मी पापा दोनों चाहते थे, तो फिर मैंने वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करी। मैं 4 साल से वहाँ पे अभी पढ़ाई कर रही हूँ, 2 साल कोरोना में बीत गया तो इस वजह से मैं घर पे ही रह के ऑनलाइन क्लासेस करती थी, बट अभी 2 साल से वहाँ पे जाके कर रही हूँ। अभी मेरा 4th ईयर है मैम, ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है ये। चलिए, तो आप म्यूज़िक में ग्रेजुएट भी होने वाली हैं, और जब मेहनत और लगन होना तो माँ बाप को जब वो दिखती है मेहनत, तो वो खुद आपके साथ आपकी जर्नी में जुड़ जाते हैं, जैसा कि आपके साथ हुआ। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमें कुछ सुनाएं। तो सबसे पहली प्रस्तुति आपकी क्या होने वाली है हमारे लिए? मैम, मैं पहली प्रस्तुति गणेश जी पे गाना चाहूँगी। जी बिल्कुल, वो राग हमीर पे छोटा ख्याल है जो कि 3 ताल पे निबंध है। चलिए सुनते हैं।
आपकी रिया। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही लगन से आप रियाज़ करती हैं, ये तो लाजमी है। जी मैम। तो सबसे पहला सवाल, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने कहा कि आप बचपन से गाती हैं, जी बचपन से आपकी रुचि रही है, तो आपका इस जर्नी में, क्योंकि संगीत, शास्त्रीय संगीत सीखना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन तपस्या है ये, तो इस जर्नी में आपको मोटिवेटेड रखने के लिए आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? मेरी माँ। बहुत ही सच्चा, साधारण और सत्य वचन है, मेरी माँ। तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट तो करते हैं, डांट लगती है आपको रियाज कम करने पर? बहुत बहुत। तो आपका रियाज का रूटीन जरा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी मैम, सुबह उठ के रियाज करती हूँ, बट नहीं भी करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मैं लेजी हूँ इस मैटर में कि थोड़ा लेट उठती हूँ, जिस वजह से मुझे गुरुजी भी डांटते हैं और मेरे पेरेंट्स भी डांटते हैं। लेकिन मैं रियाज करती हूँ मैम जी। लेकिन शास्त्रीय संगीत या कोई भी एक कला जब आप सीखते हैं जी, तो अगर आपको आलस आता है ना, तो कभी ना कभी शास्त्रीय संगीत खुद आपको वो पनिशमेंट दे देगा जी मैम, कि आपको एहसास हो जाए अपनी गलती का और हम फिर वापस से उस प्रयास में लग जाएं। जी मैम। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने पढ़ाई के बाद फिर संगीत में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहा? जी मैम, मैं 10th क्लास में थी तब मैंने यहाँ पे सीखा था, 3-4 साल मैंने गुरुजी से सीखा, सुशील मिश्रा गुरुजी हैं, उनसे सीखा मैंने। फिर मैं मारवाड़ी कॉलेज में ग्रेजुएशन भी कर रही थी बीए में, वो करते करते फिर मैंने वहाँ का एग्ज़ाम दिया, खैरागढ़ का एग्ज़ाम दिया, तो फिर वहाँ पे मेरा निकल गया, तो फिर वहाँ पे जाके मैंने ग्रेजुएशन किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी आपसे कि संगीत में जब आप जुड़ते हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ करते हैं या फिर किसी भी फील्ड में, तो एक बात होती है जो आपके सबसे ज़्यादा पसंद होती है और एक बात होती है जो आपको सबसे ज़्यादा खटकती है, तो इस संगीत की जर्नी में आपके सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है और सबसे मुश्किल चैलेंज क्या है आपके लिए? मैम, क्लासिकल म्यूज़िक खुद में ही एक चैलेंज है, ठीक है, इसको निभाना बहुत मुश्किल है, हम कोशिश ही कर सकते हैं, तो अब देखते हैं ऊपर वाले की मर्ज़ी, वो कहाँ तक लेके जाते हैं, बाकी हम अपना 100% देंगे, गुरु जो हमें सिखाते हैं उस पर खड़े होने की, उस पर उतरने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप फिर एक अगली प्रस्तुति दें और उसमें 100% दें और हम सबको, हम सबका मन मोहे। तो अगली प्रस्तुति आपकी क्या होने वाली है? जी मैम, मैं एक गज़ल गाना चाहूँगी। बिल्कुल, जो कि हमारे डॉक्टर नमन दत्त गुरु जी की कंपोजिशन है, मैंने ये खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में ही सीखा है। चलिए सुनते हैं, गुरु जी का दिया हुआ काम आप निभाने जाएंगे।
मुझको तू अपना बना या न बना, तेरी खुशी तू जमाने में मेरे नाम से बदना। बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन, बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन। आपके गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत गज़ल हमें सुनाने के लिए आपके माध्यम से। और आपकी आवाज़ पर्सनली मुझे आपकी आवाज़ में बहुत गमक लगी। गमक समझते हैं आप? जी मैम। बहुत ही भाव है जो कि संगीत के माध्यम से कई दिलों को छू सकता है। जी, थोड़ी और कोशिश की जाए तो रुला भी सकता है। तो पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे आपकी आवाज़, बहुत ही गमक है और बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन। उम्मीद करते हैं गज़ल की एक लाइन थी ना आपकी कि मैं कहीं भी रहूं सर पे मेरा, मेरे इल्ज़ाम क्यों है। मैं चाहूँगी कि आपके गुरुजी आपको कहें कि मैं कहीं भी रहूं सर पे तेरा नाम क्यों है। आप उनके नाम को आगे बढ़ाएं और उनके नाम को और ज़्यादा अपने गायकी के थ्रू। आशीर्वाद है और माँ बाप का, सबका, बड़े लोगों का आशीर्वाद है। बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जब एक जर्नी पे हम निकलते हैं ना, तो हम अपने लिए एक गोल सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, और जब वहाँ पहुँचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि चलो हम यहाँ पहुँचे। जी मैम। बड़ी मेहनत से, लगन से। तो वो मंजर, वो गोल आपके लिए क्या है? मैम, मैं बहुत अच्छी सिंगर बनना चाहती हूँ और ऐसी टीचर जो बच्चों को सही शिक्षा दे, मतलब मैं उस काबिल बन जाऊं कि मैं अच्छे से गा पाऊं, ताकि लोगों को मैं सही चीज़ें सिखा पाऊं, अच्छे से गा पाऊं। मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है और क्लासिकल म्यूज़िक में ही, मतलब इसमें आगे बढ़ के ही मैं गाने को अच्छे से जान पाऊंगी, म्यूज़िक को समझ पाऊंगी, तभी उस राह पे चल पाऊंगी। कहते हैं ना कि जितनी कला है, क्लासिकल डांस हो या क्लासिकल म्यूज़िक हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, विधा हो, इसमें सबसे कठिन संगीत को माना गया है। जी मैम। तो आज जो हम कुछ भी हैं, जितने भी बड़े गुरु हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब जितने भी गुरु रहे हैं, उनके आगे अगर हम अपनी तुलना करें, या फिर जितने भी फेमस प्लेबैक सिंगर्स हैं, अगर हम संगीत के माध्यम में से अपनी तुलना करें, तो हम एक बूंद बराबर ही हैं। मगर बूंद बूंद से सागर भरता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आगे चल के और आगे बढ़ाएं संगीत को और टीचर बने, जैसा कि आपने कहा कि आप और आगे बढ़ाना चाहती हैं, और इस शुद्धता को, इस खूबसूरत से शुद्ध शास्त्रीय संगीत को जनरेशन थ्रू जनरेशन ले जाना चाहती हैं। जी। तो चलिए, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपकी आवाज़ को सुन के, और मैं चाहती हूँ कि ये कानों में आती रहे और मैं इन्जॉय करती रहूँ। तो मैं जानना चाहूँगी कि अगली प्रस्तुति आप क्या दे रही हैं? जी मैम, मैं जो राग जौनपुरी में एक छोटा ख्याल गाऊंगी, जो कि मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में ही, मैं नाग देशमुख सर ने सिखाया है, वो बंदिश में गाना चाहूंगी, जो कि तीन ताल पे निबंध है। चलिए, बहुत मज़ा आ रहा है आज। आप क्लासिकल भी सुना रही हैं, मैं गज़लें भी सुना रही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।
बहुत ही खूबसूरत। जितनी मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि प्लेबैक सिंगिंग में अगर एक थिएटर में हम आपकी आवाज़ सुनेंगे ना, तो बहुत ही भावना से भरी हुई आवाज़ है। और मैं चाहूँगी कि आप इस पे काम करती जाएं, रियाज करती जाएं। एक सिंगर, एक म्यूज़िक एंथुजियास्ट होने के नाते मैं ये बात कह रही हूँ, बहुत पसंद है हमें संगीत सुनना। तो मैं जानना चाहूँगी कि संगीत के अलावा और भी क्या रुचियाँ हैं आपकी? मैम, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और वो भी करती हूँ मैं तो मुझे सजना, श्रृंगार करना भी बहुत पसंद है। बाकी मैं कुकिंग भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें बनाना। तो थोड़ी क्रिएटिव टाइप हूँ, नई नई चीज़ें करना पसंद है मुझे। तो आपको लगता है कि ये जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपको, आप हर फील्ड में क्रिएटिव हैं, हर फील्ड में कुछ बनाना चाहती हैं, कुछ नया करना चाहती हैं। जी मैम। तो म्यूज़िक में ये सवाल मेरे मन में अक्सर आता है, और मैं मानती हूँ कि अगर मैं पढ़ाई करते वक्त गाना कर रही हूँ या गाने के साथ साथ मेरी लिखने में रुचि है, तो सब इंटरकनेक्टेड हैं, सब आपस में संबंधित है, अपनी पर्सनालिटी को भी बढ़ाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट होना, मेकअप करना, कुकिंग स्किल्स आपके संगीत में किस तरीके से मदद कर रहे हैं आपकी? जिस तरह म्यूज़िक को मैं एकाग्र होके और ध्यानपूर्वक करती हूँ, वैसे ही मैं इन दोनों काम को भी बहुत ध्यान से करती हूँ। अगर मैं मेकअप कर रही हूँ तो उसको भी बहुत सही तरीके से उसको करती हूँ, और मैं अगर खाना भी बना रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, तो उसको भी एक तरीके से कर रही हूँ। तो मुझे लगता है पर्सनली अगर बात की जाए तो मेकअप बहुत ही पेशेंस का काम है। जी मैम, बहुत। एक पेंटिंग की तरह है, और जब आप मेकअप कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पेशेंस ला रहे हैं, जो कि शास्त्रीय संगीत में बहुत ज़रूरी है। जी मैम। एक तान को, एक सुर को पकड़ के उस पे, उसको परफेक्शन तक लाना जी महीनों का समय लग जाता है। तो समय बड़ा कम है अब हमारे पास, तो मैं चाहूँगी कुछ और आप हमें सुनाना चाहेंगी? ठीक है मैम, मैं एक भजन सुनाना चाहूँगी। चलिए, एक भजन की ही तो कमी थी, गजलें हो गई बंदिश हो गई, और एक गज़ल भी खूबसूरत सी। मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की, मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना कान्हा अब तो मुरली की, मधुर सुना दो तान।
अपने नैना जोड़ लिए हैं। जब से मैंने तुम संग अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण। मधुर सुना दो ता ओ कान्हा अब तो मुरली की, मधुर सुना दो मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। बहुत बहुत मधुर आवाज, बहुत ही मधुर तान, बहुत मजा आया आपको सुन के। बहुत ही खूबसूरत आवाज है और मैं दिल से चाहूंगी कि आप इस पे काम करें जी मैं। और एक दिन हम सब कहें कि हाँ हमारे दूरदर्शन में भी आई थी एक उभरती कलाकारा जो आज एक उभरता सितारा है जी मैम। तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपका और आप सभी का इतने खूबसूरती से इनका संगत देने करने के लिए, साथ देने के लिए। और इसी के साथ मैं एक वादा नया फिर करती हूँ कि अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नए उभरते कलाकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।